खयात जल्दी कर बस बेटा, सामान बांध रहे अपना। अम्मी क्या हो गया? बस चल रहे हैं, जल्दी कर वापस जा रहे हैं हम। अम्मी ठीक तो है, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा देख देख, मैं पागल हो जाऊंगी बता रही हूँ तुझे। बस बेटा मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई है। बेटा बिल्कुल टाइम नहीं है, तू सामान बांध ले जल्दी जल्दी। हाय अल्लाह, फिर से लेके जा रही है तुम्हें। अम्मी जान भूल गई आप, मैं अब शादीशुदा हूँ। हाँ तो क्या हुआ फिर, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हुई है तेरे बाबा से। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है मेरे आंटी? बहुत गहरा ताल्लुक है, मुझमें सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है, खत्म हो गई मेरी हिम्मत। इसके बाबा को तो कुछ पता ही नहीं, कुछ अंदाजा है कैसे आतिशफिशा फटेंगे यहाँ? समझ रही है ना? सोच बेटा जरा सोच। हाँ 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 सोच। हाँ तू चल रही है या नहीं हयात? मेरी जान तू समझ मुझे, देख मैं नहीं संभाल सकती, मैं बता रही हूँ, हो सकता है मुझे हार्ट अटैक ही हो जाए। बस चल रहे हैं अपने इलाके में, वही जहाँ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, सब्जा ही सब्जा और जहनी सुकून, बस वही चलेंगे। हाँ पहाड़ों की बातें कर रही है हयात, हेमने आंटी को कुछ हो गया है, समझ रही हो ना? हेमने आंटी आपको क्या हो गया है, आप ठीक तो है ना? बताएं मुझे जल्दी से हेमने आंटी। लड़की क्यों चिल्ला रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सही सोचा ना मैंने, इस तरह सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे और हम फिर से हंसी खुशी रह लेंगे, वो भी साथ मिलकर। हाँ अम्मी जान बस इजी हो जाए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोई कह रहा है घर से कदम बाहर नहीं निकालना, कोई कह रहा है रात 8 बजे तक घर पहुंच जाना, और आप कह रही हैं वापस चले। इंसान हूँ मैं, घन चक्कर नहीं। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस पागल ना बनाए, मुझे पागल ना बनाए। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? ये सारी जमीनें जो तुम देख रहे हो किसकी हैं जानते हो? जानता हूँ, हमारी हैं, यानी दादा की थी हमारे। दादा की थी तुम्हारे? ये सारी जमीनें मेरी और तुम्हारे दादा की मुश्तरका मिल्कियत हुआ करती थी। आसान नहीं था इतनी जमीनों का मालिक बनना। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके तुम्हारे दादा के हवाले कर दी, उसने भी अपने पैसे मिलाए और हमने वो जमीनें खरीद ली। फिर इस्तांबुल में जमीन की कीमतों को पर लग गए। एक दिन उसने कहा कि मैं जमीनें बेच रहा हूँ, तब मुझे पता चला कि उसने सारी जमीनें अपने नाम मुंतकिल करवा दी थी। ये है तुम्हारे दादा का असल चेहरा। मेरे दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं आप। जबान संभाल के लड़के, झूठ नहीं बोल रहा मैं। यकीन नहीं आता तो जाओ अपनी दादी के पास और पूछो उनसे जाकर कि क्या सच है और क्या झूठ। मुझे नहीं सुननी ये फजूलियात। एक बात और सुनते जाओ, चाहे वो भी फजूल लगे तुम्हें। तुम्हारे दादा ने पैसे के साथ मेरी मोहब्बत पर भी डाका डाला था, मेरी मोहब्बत भी छीन ली थी उसने। क्या मतलब, मेरी दादी जान? शाबाश लड़के, मगर ये सब पैसों की खातिर नहीं बता रहा तुम्हें। उन पैसों से तो कब का अलग हो चुका हूँ, मगर सुन लो अपनी पोती से अलग नहीं हूंगा। ये जो आंखें हैं ना, ये दिल का आईना होती है और ये कह रही है कि तुम्हारा दिल कशमकश का शिकार हो चुका है। अपने दादा की तरह ना बनो, मर्द बन कर जियो। चलो ठीक है, मानता हूँ हयात तुम्हारे जाल में फंस गई, मगर अब हर सूरत छोड़ना होगा उसे। आंखों को पढ़ना खूब आता है आपको दादा, हर शायद देख ली तो फिर ये भी देख ली। हयात को मुझसे छीनना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। कहीं जबरदस्त सा रोल खाया जा रहा है। पूरे ऑफिस में महक फैली हुई है यार। प्यार लव